जय श्री कृष्ण दोस्तों, सृष्टि ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों चलो आगे बात करते हैं एक और जन्म कुंडली के अध्ययन के बारे में। ये जो जन्म कुंडली है करण जोशी जी की है। करण जोशी जी अपनी जन्म कुंडली का मिलान कीजिए जो बर्थ डिटेल आपने दी है। बर्थ डेट 5/10/2004, टाइम 10:45 AM, राधिका हॉस्पिटल कांकरोली, राजसमंद, राजस्थान। जॉब के बारे में, करियर के बारे में आपने पूछा है। वृश्चिक लग्न है, मिथुन राशि है, लग्नेश आपके मंगल और राशि आपके बुध। तो आपको दोनों का लाभ मिलेगा। मंगल से आपका शरीर मजबूत अच्छा रहेगा और बुध से बुद्धि अच्छी रहेगी। बात करें लग्न आपका 13 डिग्री का, तो ठीक ठाक लग्न है। मंगल सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य गुरु बुध और मंगल एकादश भाव में जहां बुध उच्च के हैं बैठे हैं, तो वहां मंगल थोड़ा अस्त दिखाई दे रहा, मतलब लग्नेश अस्त है। और यदि आप राजयोगों का, जो भी आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह हैं उनका फायदा लेना चाहते हैं तो मंगल को बल देना होगा। मंगल को बल देने के लिए छोटे भाई हैं, उसकी आप मदद कीजिए, उसको प्रेम से रखिए। और मामा हैं उनसे अच्छे संबंध रखिए, बजरंग बली की सेवा कीजिए, मंगलवार आदि का व्रत रख सकते हैं। मंगल देवता हनुमान जी को आप मंगलवार के दिन मसूर की दाल का हलवा खिलाएं, भोग लगाएं और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। मैंने दोनों वीडियो डाल रखे हैं, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के बारे में, उनका आप पाठ करें, हनुमान जी की सेवा प्रारंभ करें, अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। राहु मेष राशि में बैठे हैं छठे भाव में, कई तरीके का टैलेंट ये दे देते हैं और राहु की ही आपकी दशा चली हुई है 2/7/2023 तक। तो अपने आप अपने माइंड को थोड़ा सा क्रिएटिव कीजिए। इन्वेंशन जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से आप दिमाग को लगाइए, माइंड को यूज कीजिए, क्रिएटिव माइंड कीजिए, खोजी प्रवृत्ति अपनाइए। और जितने भी यूट्यूब पे आजकल वीडियो चलते हैं खोज के बारे में, नई नई तकनीकों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और उसका उपयोग आप कीजिए, जिससे कि आपका दिमाग क्रिएटिव होगा। बिजनेस फील्ड में भी आपको काफ़ी अच्छा टैलेंट देगा, क्योंकि बुध उच्च का है, अष्टम भाव का स्वामी उच्च का है, तो लॉजिक वाइज भी आप अच्छा सोचेंगे, तो उस तरफ आप थोड़ा सा ध्यान बढ़ाएं। और जॉब की बात करें, सूर्य मंगल एकादश भाव में लग्नेश और एकादशेश सूर्य मंगल की युति है, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। टीचिंग क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, कंसल्टेंसी क्षेत्र में स्कूल खोल सकते हैं, कोचिंग चला सकते हैं, बहुत अच्छे योग हैं। और 2023 के बाद इन सब का आपको फायदा मिलेगा। सूर्य की अंतरदशा चलेगी तो पिता की सेवा करें। राहु में सूर्य की दशा चल रही है तो ये आपको थोड़ा सा पीड़ा दे सकती है, पिता से थोड़े संबंध अनबन तो मैं हो सकती है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके एकादश भाव पर है, तो आपको सब चीजों का लाभ मिलेगा। थोड़ा सा देरी हो सकती है, थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। किस्मत में आपके मकान वाहन सब सुख लिखा हुआ है, बस आत्मबल बढ़ाइए और तैयारी कीजिए। राहु की नवी दृष्टि द्वितीय भाव पर है तो थोड़ा सा शरीर से कष्ट मिल सकता है, मतलब आपको एलर्जी से जैसी समस्याएं, खांसी जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती हैं, तो आप बजरंग बली की जितनी उसे सेवा करें, योगा प्राणायाम करें, जिससे शरीर मजबूत होगा, लग्न और मजबूत होगा, लग्नेश मजबूत होगा। मेडिटेशन करें और अपने
जो मैंने कहा क्रिएटिव माइंड बनाइए अपने आप का और फिर आप तरक्की देखिए। सिर्फ इतना ही आपको करना है, हो सके तो राहु के जो उपाय हैं मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं, मैंने वीडियो भी डाला है, वहां से आप देख सकते हैं। राहु आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा देगा। 2023 तक इसकी युति चली हुई है, तो क्रिएटिव माइंड करता है तो ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव होने की सोची है ताकि आपको पूरे जीवन पर इसका लाभ मिल सके। बंदरों को हो सके तो केले खिला दीजिए और बजरंगबली मंगलवार का व्रत कीजिए, अद्भुत फायदा आपको मिल रहा है। तो ये आपकी जन्म कुंडली का दिन था दोस्तों। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का दिन करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बर्थ डिटेल और कोई भी तीन सवाल आप पूछ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी, और जो भी आपके सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।